नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं पर 49 मशहूर हस्तियों ने एक चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चिट्ठी लिखी गई है जिसमें इन तमाम हस्तियों ने जिक्र किया है मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं का और इन घटनाओं पर चिंता भी जताई है। ये कहा गया है कि मुस्लिमों और दलितों के खिलाफ भी हिंसा जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, इस पर भी चिंता जताई गई है। साथ ही साथ लिखा है कि किसी भी मुद्दे पर असहमति जरूरी है और असहमति देश को मजबूत बनाती है। भड़काने के लिए जय श्री राम के नारे का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बात भी इस चिट्ठी में लिखी गई है। और आप तस्वीर भी देख सकते हैं, उस चिट्ठी को आप देखिए जिसमें इन 49 हस्तियों ने आपत्ति दर्ज कराई है। देवजानी चौबे हमारे साथ जुड़ गई है। देवजानी, क्या कुछ और अहम बातें लिखी गई है इस चिट्ठी में? देखिए, जहां तक इस चिट्ठी की बात है तो ये दूसरी चिट्ठी है। इसके पहले भी सिटीजन्स ऑफ कोलकाता की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई थी, लेकिन इस बार कई बड़ी हस्तियों को इसके साथ जोड़ा गया है जिसमें मणि रत्नम का नाम है, अदुल गोपाला कृष्णन का नाम है, रामचंद्र गुहा, यहाँ पे अपर्णा सेन, कंकना शीन शर्मा, रिद्धि सेन जिनको हाल ही में नेशनल अवार्ड मिला है। तो इन सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म में लाया गया है ताकि इस चिट्ठी का महत्व बढ़े। और इसीलिए ये एक ऑल इंडिया, एक पैन इंडिया प्रोग्राम किया गया था और इन सारे हस्तियों को एक साथ लाया गया है। प्रधानमंत्री से गुजारिश की गई है कि वो जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है, जिस तरह से हिंसा बढ़ रही है, जिस तरह से यहाँ पे सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ही हाल ही में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां पे माइनॉरिटीज को टारगेट बनाया गया है, उनसे जबरदस्ती कहलवाया जा रहा है, यहाँ पे उनको जबरदस्ती यहाँ पे मारा पीटा जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि आप जय श्री राम कहिए, नहीं कहने पर उनके साथ मारपीट की जा रही है। तो ऐसी कई सारी घटनाएं सामने आ रही है, तो प्रधानमंत्री जो है वही इसको रोक सकते हैं। यही उन्होंने लोगों ने उनसे गुजारिश की है कि वो अगर कुछ सख्त कदम इस बारे में उठाए तो इस तरह का जो इंटॉलरेंस का एक वातावरण तैयार हो रहा है उसे रोकने में यहाँ पे जो आम आदमी है इस देश के वो कामयाब हो सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवजानी, तमाम जानकारी के लिए।